नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का ओल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ। कजरी तीज साल 2022 में 14 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाओं के साथ कुआरी लड़कियां भी व्रत रखती हैं। ये व्रत सौभाग्य के लिए रखा जाता है, लेकिन कई बार व्रत के समय मासिक धर्म होने पर व्रत खंडित होने का डर बना रहता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि मासिक धर्म में भी आप कैसे कजरी तीज का व्रत रख सकते हैं। मासिक धर्म में कजरी तीज व्रत की पूजन विधि। कजरी तीज के दिन यदि आपको मासिक धर्म आया है तो आप व्रत कर सकते हैं। आप व्रत के सभी नियमों का पालन करें। आपको स्नान आदि करने के बाद कोरे वस्त्र ही धारण करने चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। कजरी तीज का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है, इसलिए आप भी निर्जल रहकर ही ये व्रत करें। यदि आप मासिक धर्म से हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप पूजा की किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। आपको इस दिन नीमण माता के लिए बनने वाले भोग को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस समय में आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आप भगवान की किसी मूर्ति को भी स्पर्श ना करें। कजरी तीज के दिन आपको नीमण माता की पूजा स्वयं नहीं करनी चाहिए, बल्कि घर की किसी अन्य महिला से, अपने पति से या अपनी सास से करा लेनी चाहिए। शाम के समय नीमण माता को स्वयं भोग ना लगाएं, बल्कि उन्हें किसी और से भोग लगवाएं। कजरी तीज के दिन चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, लेकिन आपको ये अर्घ स्वयं नहीं देना चाहिए, बल्कि घर की किसी अन्य महिला या अपने पति से दिलवाना चाहिए। यदि आपने कजरी तीज का व्रत किया है तो आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब जरूर करें।